हम तो यही कहते हैं कि सरकार ने जो जो वादे किए हुए हैं सिर्फ अपने वादों को और अपनी उन योजनाओं को लागू कर दें, यही हमारी मांगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, रोहिणी आयोग का गठन किया था, जिन ओबीसी के वर्गों को आज तक मिला नहीं है कुछ भी, चंद तीन चार जातियाँ ही सारे ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रही हैं, इसके लिए माननीय मोदी जी ने एक पहल करके रोहिणी आयोग का गठन किया था ताकि उन जातियों तक भी आरक्षण का लाभ पहुंचे जिनको आज तक मिला नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि रोहिणी आयोग का गठन होने के बाद उसने रिपोर्ट सबमिट कर दी है, लेकिन उसको किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से आगे पोस्टपोन किया जा रहा है। बार बार माननीय मोदी जी की हम जो उनकी अपेक्षा है, जो उनकी नीति है, जो उनकी नीयत है, उस पर हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो लोग इसको लागू करने का दायित्व जिन लोगों पर है, हमें उन पर संदेह है। रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको तुरंत लागू किया जाए, हमारी पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि जिस प्रकार से एसटी आयोग का संवैधानिक दर्जा था, माननीय मोदी जी ने पहल करके ओबीसी आयोग यानी पिछड़ा वर्ग आयोग का भी संवैधानिक दर्जे का बिल लोकसभा में पास करवाया, किंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि दो साल से ऊपर हो गए, आज पुराना आयोग जो कि संवैधानिक नहीं था, कम से कम वो अस्तित्व में तो था, लेकिन आज ये संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद वो आयोग है ही नहीं। दो वर्ष से बिना आयोग के ही सारा मामला चल रहा है और हम ये बड़े दुखी हैं कि किस मंच से हम ओबीसी की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं। ओबीसी का जो आयोग था उसके माध्यम से पहले, चाहे वो असंवैधानिक था या संवैधानिक था नहीं, तब भी हम पहुंचा तो देते थे। आज तो संवैधानिक बन गया है लेकिन है नहीं, ये भी बड़ी अजीब विडंबना की स्थिति है जिससे हम सरकार को पहुँचाना चाहते हैं। हमारी तीसरी मांग ये है कि ओबीसी के नाम पर सभी राजनीतिक दलों ने, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करता हूँ, ओबीसी के नाम पर चंद दबंग जातियों को ही अपने संगठनों में और सरकार शासन में प्रशासन में भागीदारी दी है, जो 52% में आधे से ज़्यादा अति पिछड़ा वर्ग हैं, जिन्हें कि मैं ये कहता हूँ कि वो वास्तव में पिछड़े हैं, उनको आज तक राजनीति में, शासन में, प्रशासन में और इन राजनीतिक पार्टियों के संगठनों में कोई भागीदारी मिली नहीं है। हमारी ये मांग है, इस पर गौर करें। माननीय मोदी जी ने अपने संकल्पों में, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने और सभी राजनीतिक दलों ने अपने संकल्पों में यह तय किया है, यह घोषणा की हुई है कि हम सब वर्गों को प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अति पिछड़े वर्गों को आज भी पार्टियों में ही नहीं, सरकार में, शासन में और प्रशासन में किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व देने के लिए कोई भी गंभीर नहीं है। इसलिए हमारी ये बहुत सारी मांगे हैं जो आपको हंसराज जी ने रखी ही हैं। ये तीन मांगों के ऊपर मैं बिंदुओं पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। हमारी मांगे आपके माध्यम से सरकार तक और खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे। सर, ये मेरी सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो आप क्या करोगे? हमारी मांगे पूरी अगर सरकार नहीं करती तो हमें विकल्प तलाशने होंगे। हम अति पिछड़ा वर्ग 52% जो टोटल पिछड़ा वर्ग है उसमें से अति पिछड़ा वर्ग अधिकांश है, यानी 30% से ऊपर अति पिछड़ा वर्ग है, अपने अल्टरनेटिव तलाशेंगे, अपने विकल्प तलाशेंगे और हम अपनी यात्रा को नए सिरे से प्रारंभ करेंगे, चाहे वो इस सरकार के खिलाफ करना हो, चाहे वो समस्त पार्टियों के खिलाफ करना हो, हम अपने विकल्प तलाशेंगे और अपने विकल्पों को आगे ले जाकर अपने अति पिछड़े वर्गों के लिए इस प्रकार की योजना तय करेंगे।